जबकि बसपा की सरकार अभी प्रधानमंत्री बहन जी हो जाए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ भी हो जाए, तो संविधान के तहत काम करेगी। मनोहर कांशीराम साहब ने 85 और 15 का मनोहर कांशीराम साहब ने 15-85 के जो है वो चलाए थे जो है, लेकिन उनके आधार पर जो है अब तो उनका ध्यान हो गया। हाँ, इसलिए जो है सरकार को बहन जी को जो है मजबूरी से तालमेल करना पड़ रहा है। इसलिए जो है हम लोग सोच रहे हैं कि बसपा का सरकार फिर से बने। हाँ, बुआ जी बहन जी जो हैं वो उनके अंदर इतना गुण है, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो समझती हैं कि अच्छा बुरा क्या है। हाँ, और ये ब्राह्मण लोग जो जुड़ रहे हैं ये लोग भी जान रहे हैं कि बहन जी एक अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, इसलिए वो लोग भी जुड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि योगी सरकार में कोई काम धंधा हो नहीं रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अनपढ़ घूम रहे हैं, इसीलिए BSP की सरकार सबको पसंद है। वहीं एक और उभरते नेता चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके बारे में क्या सोच? वो भी अच्छे हैं, जैसे वो बुआ हो तो ये भाई हुआ, लेकिन पहले बुआ को देखेंगे। अच्छा, जब बुआ हमारी कमजोर पड़ेंगे तो हम भाई को भी देखेंगे। अच्छा अच्छा जी, आपका सीधा सीधा कहना है कि अभी हमारे बुआ जी कमजोर नहीं है? नहीं भी जी, एकदम अच्छा, कमजोर नहीं है, वो कमजोर हो भी नहीं सकती। अच्छा अच्छा, हाँ, वो जब तक जिंदा रहेंगी सेब इन्हें धारती रहेंगी। साथियों नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर, आप देखना शुरू कर चुके हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज हम फिर से एक नए स्थान पे आए हैं जहाँ पे बाबा साहब के अनुयायी रहते हैं। वहाँ पे एक हमें बहुत ही अच्छी तस्वीर जो है झंडा देखने को मिल रहा है। कैमरा नज़र करके दिखाइए, ये आप लोग देख रहे हैं लगातार जो है लहरा रहा है। वहीं हम ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर बात करेंगे कि 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर किसको वोट जाएगा यहाँ का, किस तरफ इनका झुकाव है। तो दादा, क्या नाम है आपका? नन्हेलाल। तो दादाजी ये बताइए, जो आगे चुनाव होने वाले हैं किसकी सरकार चाहते हैं आप? माननीय बहन जी की। माननीय बहन जी की, मायावती जी। अच्छा, चंद्रशेखर जी ने मिलकर बनाओ। अच्छा, चंद्रशेखर और मायावती जी मिलकर बनाए। हाँ, तो लेकिन कहीं ना कहीं मायावती जी साफ तरीके से कहती हैं RSS के गुलाम है चंद्रशेखर, उसके बारे में क्या राय है? भाई हम तो माननीय बहन जी के, माननीय बहन जी। हाँ, अच्छा, मरते दम तक। हाँ, अच्छा, जिस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे लगातार बहुजन समाज पार्टी के तरफ से बढ़ते कदम दिख रहे हैं। और हम फिर से बात करेंगे, हमारे साथ में दादा हैं, क्या आपका वोट किधर जाएगा 2022 के विधानसभा में? हमारा वोट जाएगा बसपा की तरफ। बसपा की तरफ, अच्छा, लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पे सभी लोग बसपाई हैं, लेकिन बसपाई के काम से कार्यकाल से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसके सरकार में हर चीज़ के जो है आज़ादी मिली, जो है गुंडागर्दी ख़त्म हुई, प्राइमरी स्कूल इतवार को भी खुल रहा। अब भाजपा की सरकार में से स्कूल एकदम ठप्पा है। हाँ, तमाम कोरोना दिखा रहा, स्कूलें बंद हो गई हैं, उसके बाद देसी ठेके खुल गए हैं, कहीं ना कहीं स्कूल तो भी खुलना चाहिए। और क्या, खुलना चाहिए स्कूल की। तो इसको लेकर आप नाराज़गी जताएंगे? बिल्कुल जताएंगे, जो बच्चों के जिस शिक्षा नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे? कोरोना काल के चलते जो है पढ़ने वाले बच्चे थे उनको प्रमोट कर दिया गया डायरेक्ट, उनके बारे में क्या रहा? अरे बिगड़ पढ़े जो है, जब रिजल्ट मिल गया तो एक कोई अच्छी बात है, कोई किसी चीज़ में कम्पटीशन में बैठ जाएंगे, बच्चे फेल हो जाएंगे तो क्या वो सर्विस दे देंगे? हाँ, ये सर भाई सही बात है, कहाँ से सर्विस देंगे? दादा आप क्या कहना चाहेंगे जो आगे वाले चुनाव हैं उस बारे में, कहीं ना कहीं महंगाई बेरोजगारी इनके कार्यकाल में कितना काम दिख रहा है आपको, कितना खुश हैं? एमा खुश नहीं ना, वो है भाजपा की पड़ी। किस पे? अरे यार बसपा मायावती। हाँ, ठीक है, और जवान। हाँ, हम लोग 84 देते हैं उन्हें, एक देव है, पुराने वोटर हैं। हाँ, पुराने वोटर बहुजन समाज के है, और जाना उनके सरकार में 7 बजे अधिकारी जवान है, एडियो रोड पर आके दौड़त रहे, सुबह अधिकारी कांपत रहे, समझ लें। अभी मोदी दादा लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जो अधिकारी लोग होते थे बहुत कड़े ही शासन के लोग होते थे, यही कहना। हाँ, अच्छा, गरीबों की भी सुनवाई होती थी कहा, मतलब कि हम सभी बसपाई, यही बसपाई देव। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देंगे, क्या पसंद है आपको? पसंद आई यही कि जो ना सब शासन जो ना तक कड़ा रहा था। अच्छा, कड़ा रहता है। और कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव में लहर चल रही है, वहीं दादा भी फिर से बोलना चाहते हैं।
और एक चीज़ है जो बसपा की सरकार है, सब अन्य पार्टियाँ जो है बसपा से बहुत दूर रहते हैं, कि इसका क्या कारण है कि दूर रहते हैं? हाँ, इसका हमारे ख्याल से तो यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हैं, उस जितनी पार्टियाँ है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, ये जो है संविधान के तहत काम नहीं करती है, वो अपनी राजनीति फिट करती है, अपनी बेनिफिट करती है। हाँ, और जो है जबकि बसपा की सरकार अभी प्रधानमंत्री माया बहन जी हो जाए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कुछ भी हो जाए, तो संविधान के तहत काम करेगी। हाँ, और आपका कहना है कि बहुजन समाज पार्टी अगर आ जाती है तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान में चलेगी और संविधान को मजबूत करेगी। आर्टिकल दिया गया, उनको भी लागू किया, उसको भी लागू किया। इस तरह से आप लोगों देख रहे हैं, लगातार बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहब के संविधान को लेकर बात हो रही है। इसी के साथ जो बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है लगातार, उस पर आपकी क्या विचार है? मानवर कांसीराम साहब ने 85 और 15 का मानवर कांसीराम साहब ने 15-85 के जो है वो चलाए थे जो है, लेकिन उनके आधार पे जो है अब तो उनका ध्यान हो गया। हाँ, और बहन जी 4 फेरी मुख्यमंत्री बनी, तो जितना जो है 85 के लोग हैं, जैसे कुर्मी हैं, ये तो जो ना अनप्रिय देखने लगे भाजपा में, जिसको कैबिनेट मंत्री बना दिए, और तो सारे कुर्मी जो है अनप्रिय के पीछे भाग रहे हैं। तो बताइए, जब 85 के लोग जितने हैं सब बिखर रहे हैं, तो बहन जी को मजबूरी से जो है उनको बाबन को मिलाना पड़ रहा है ना, हमारी सरकार आखिर कैसे बनेगी? जब बहन जी को मिलाएंगे वो बाबन को, तो कुछ बाबन लोग दे देंगे, कुछ हम लोग भी देंगे, कुछ अन्य पार्टी। कहना है कि 85% के लोग साथ नहीं दे रहे, नहीं तो 15% को अंदर लेना पड़ रहा। ऐसी मजबूरी है। इसलिए जो है सरकार को, बहन जी को जो है मजबूरी से तालमेल करना पड़ रहा है। इसलिए जो है हम लोग सोच रहे हैं कि बसपा का सरकार फिर से बने। हाँ, जय भीम, जय। हमारे साथ में काफ़ी युवा का तादाद लगा है, हम भी इनसे भी जाने, इनकी राय क्या है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर? यही राय है कि BSP की सरकार बननी चाहिए। जिस तरह से देखा जाए BSP जो है मनवर कांसीराम साहब के एजेंडे को लेकर नहीं चल रही है, वो मनवादी व्यवस्था पे चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय है कि वो बहन जी हमारी जो है, बुआ जी, बहन जी जो हैं, वो उनके अंदर इतना गुण है, इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो समझती हैं कि अच्छा बुरा क्या है। हाँ, और ये ब्राह्मण लोग जो जुड़ रहे हैं, ये लोग भी जान रहे हैं कि बहन जी एक अच्छा नेता है, बढ़िया नेता है, इसलिए वो लोग भी जुड़ रहे हैं। वो जान रहे हैं कि योगी सरकार में कोई काम धंधा हो नहीं रहा है, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, अनपढ़ घूम रहे हैं, इसीलिए BSP की सरकार सबको पसंद है। वहीं एक और उभरते नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उनके बारे में क्या सोचे? वो भी अच्छे हैं, जैसे वो बुआ हो तो ये भाई हुआ, लेकिन पहले बुआ को देखेंगे। जब बुआ हमारी कमज़ोर पड़ेंगे तो हम भाई को भी देखेंगे। अच्छा जी, आपका सीधा सीधा कहना है कि अभी हमारे बुआ जी कमज़ोर नहीं है? नहीं भी जी, एकदम कमज़ोर नहीं है, वो कमज़ोर हो भी नहीं सकती। हाँ, वो जब तक जिंदा रहेंगी सेर की दहाड़ती रहेंगी। जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बहुजन समाज पार्टी का काफ़ी जोर और जोश के साथ लहर चल रहा है,